हाफ पार्ट देख चुके हैं। नाउ रिमेनिंग पार्ट हम इस पार्ट कुछ वीडियो में देखने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन हैं जिनकी कुछ एक्शन हो रही है और ये एक्शन वर्ड्स यहाँ पर राइट किए हुए हैं विद नंबर है। सो हमें सिर्फ क्या करना है, जो बच्चा जो एक्शन कर रहा है यहाँ पर जो वर्ड्स है उसके नंबर्स हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। ओके, मैच द एक्शन वर्ड्स विद द चिल्ड्रन, राइट द नंबर्स। जैसे कि मैंने बताया है कि हमें क्या करने हैं, जो चाइल्ड जो एक्शन कर रहा है यहाँ पर एक्शन के नेम दिए गए हैं, हमें उसके सिर्फ नंबर्स यहाँ पर इस सर्कल में राइट करना है। ओके, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है, स्किप, ये जो गर्ल है स्किप कर रही है, सो यहाँ पर नंबर दिया गया है, उसी तरह से नेक्स्ट हमें करना है। सेकेंड इज जंप, सो देखिए जंप यहाँ पर इस बच्चे के एक्शन में जंप राइट है टू नंबर। देन ये क्या कर रही है, वॉश, वॉश कौन से नंबर पर राइट किया हुआ है, फोर, राइट है फोर। देन ये चेक क्या कर रहा है, रीडिंग, रीड, रीड फाइव नंबर पर, सो राइट है फाइव। देन सेवन क्लाइम, ये क्या कर रहा है, ट्री पर क्लाइम कर रहा है, सो सेवन नंबर राइट किया। देन किक, बॉल को किक कर रही है, राइट है सिक्स नंबर किक। देन ये जो चाइल्ड है ये क्या कर रहा है, वॉकिंग, वॉक, राइट है थ्री नंबर वॉक। ओके, हमने सिर्फ क्या किया है, बच्चों के एक्शन क्या है वो देखिए और वो एक्शन यहाँ पर दी गई है, सिर्फ एक्शन का नंबर इस सर्कल में हमने राइट किया है। ओके, नेक्स्ट सी, टेक द करेक्ट एक्शन वर्ड्स। यहाँ पर कुछ नेम्स दिए गए हैं और इन नेम्स को के क्या करने है, हमें यहाँ पर एक्शन दिए गए हैं, जो नेम से रिलेटेड करेक्ट एक्शन है हमें सिर्फ उसे क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट इज अ फिश, ऑप्शन है स्विम्स, फ्लाइज, अभी ये फिश है इसका मतलब ये क्या करेंगे, फ्लाई तो नहीं करेंगे, राइट, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज स्विम्स, सो टेक केयर। नेक्स्ट वन द वाइंड, फ्लाइज ब्लोज, जो वाइंड है जो हवा है वो क्या होती है, ब्लो होती है, सो टेक केयर ब्लो ब्लोज। थर्ड वन पीटर, ऑप्शन है क्लाइब्स, क्वैक्स, क्वैक्स कौन करता है, यस डक, सो करेक्ट आंसर इज क्लाइब्स, ठीक है। नेक्स्ट वन द सन लाफ्स शाइन्स, द सन शाइन्स, करेक्ट वर्ड इज, करेक्ट एक्शन इज शाइन्स, सो ठीक है। नेक्स्ट वन सीमा शाइन्स रीड, सीमा ये गर्ल है सो सीमा रीड्स, ये करेक्ट एक्शन वर्ड है सो ठीक है। नेक्स्ट वन लुक एट द पिक्चर्स, सर्कल थ्री एक्शन दैट ईच वन कैन डू, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है, ये जो पिक्चर्स है इनकी ही एक्शन को, ये जो जो पिक्चर है पिक्चर के ही किसी भी थ्री एक्शन को हमें यहाँ पर सर्कल करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये बेबी है, बेबी कौन से एक्शन करते हैं, क्राई, क्राउल, फ्लाई नहीं करते, राइट, सो इसे टिक नहीं किया, देखिए यहाँ पर। देन लाफ, ये क्या है, इस बेबी की एक्शन है उसी तरह से आगे के हमें करना है। ओके, सो ये बर्ड है, बर्ड की क्या क्या एक्शन हो सकती है, फ्लाई, हॉप, बर्ड है, बर्ड रीड करेगा क्या, नहीं, सो रीड ये बर्ड का एक्शन नहीं है, सो हमें यहाँ पर सर्कल नहीं करना है। देन सिंग, ये जो है इसकी एक्शन है बर्ड की। ओके, नेक्स्ट वन डॉग, डॉग है, डॉग राइड कर सकते हैं क्या, नहीं, सो ये रॉन्ग है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसकी एक्शन क्या क्या है सिर्फ उसे सर्कल करना है हमें, पार्क, रन, डिक, ये क्या है, ये डॉग से की जाने वाले एक्शन है, ये उसके लिए यूज होने वाला एक्शन वर्ड से, सो हमें इसे सर्कल करना है। ओके, थ्री थ्री को ही हमने दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि सर्कल थ्री एक्शंस। ओके, नेक्स्ट वन मंकी, मंकी के थ्री एक्शन को हमें सर्कल करना है, क्लाइम, ड्रॉ, मंकी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सो क्लाइम, स्विंग एंड जंप, ये किसके एक्शन है, मंकी के, इस थ्री एक्शन वर्ड्स को हमने क्या करना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट वन लिसन केयरफुली, देखिए इससे क्या होगा, हम जो सुनते हैं हमारे सुनने के लिसनिंग
पावर हमारी क्या होती है, बढ़ती है. ओके, सो ऑलवेज जब लिसन केयरफुली आता है, अगर हम अभी हम क्लास में नहीं है, हमारे वीडियो लेक्चर्स शुरू है, बट जब भी हम वीडियो में भी जब लिसन केयरफुली का जब हम ये सेशन लेते हैं तो अच्छे से सुनने की कोशिश करना है, बिकॉज हमारी इंग्लिश की जो स्किल है लिसनिंग से ही लिसनिंग पावर उससे क्या होगी, बढ़ेगी. ठीक, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, योर टीचर विल रीड आउट सम रीडर्स, थिंक एंड आंसर दे. तुम्हारा टीचर जो है अभी कुछ पहेलियाँ बताई जाएगी, हमें उसका आंसर बोलना है. इसमें पहेली का क्या आंसर हो सकता है? ओके, देखते. आई शाइन इन द स्काई, एक कौन सी ऐसी चीज है कि वो बता रही है खुद के बारे में, हमें उसे पहचानना है. आई शाइन इन द स्काई. यू डोंट सी मी एट नाइट, क्या है ऐसे कि जो शाइन करता है स्काई में और हम उसे नाइट में नहीं देख सकते. आई एम द सन. क्या आंसर है? सन. वो दिन में दिखाई देता है स्काई में बट रात में नहीं दिखाई देता. कौन है वो? सन. ओके, सेकेंड, आई ग्रो अंडर द ग्राउंड, कौन है जिसकी अभी ग्रोथ, तो बहुत ऐसे जो रूट्स है उनकी ग्रोथ अंडर द ग्राउंड होती है. देखते हैं नेक्स्ट क्लू क्या दिया है हमें. आई एम अ वेजिटेबल दैट कैन मेक यू क्राई, कौन सा ऐसा वेजिटेबल जिससे हमारी आंखों में पानी आ जाता है. यस, आई एम एन ऑनियन. व्हाट इज द आंसर? ऑनियन. नेक्स्ट वन, आई ट्विंकल इन द स्काई, ये जैसे ट्विंकल हमने सुना क्लिक हो जाता है, क्या आंसर हो सकता है? बट हमें नेक्स्ट पे देखना है. देयर आर मिलियंस ऑफ मी, आई कम आउट एट नाइट. क्या है ट्विंकल बोलने पर ही पता चल गया है, नाइट पता चल गया है, मिलियंस ऑफ मी पता चल गया है. इसका आंसर है आई एम अ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो हम पोएम बचपन से बोलते आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन, आई एम मेड ऑफ ब्रिक्स और वुड, किससे बना है? ब्रिक्स और वुड से. नेक्स्ट वन, आई हैव मेनी डोर्स एंड विंडोज, ब्रिक्स से भी बनते हैं ये एंड वुड से भी बनते हैं, उसको बहुत सारे डोर्स एंड विंडोज होते हैं. क्या है? यस, जिसमें हम रहते हैं. आई एम अ हाउस. व्हाट इज द आंसर? आई एम अ हाउस. ये क्या है सब? रीडल से पहेलिया जिसके आंसर हमने अभी देखे हैं. ओके, सी नेक्स्ट, स्पीक वेल, इससे क्या होगा? हमारे स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी जो कि हमें करनी है. ओके, टॉक टू योर पार्टनर, टेल ईच अदर व्हाट यू वांट और डू नॉट वांट. हमें घर पर हमारे किसी को पार्टनर बनाना है, मम्मी पापा बड़े भाई बहन होंगे उनको पार्टनर बनाना है और बताना है, दोनों ने कन्वर्सेशन करना है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है और आगे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को यूज करके हमने आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखना है. ओके, सो फर्स्ट क्या दिया गया है हमें, फॉर एग्जांपल आई वांट क्रेयॉन्स, मुझे क्या चाहिए? अगर हमें कुछ चाहिए तो हम क्या कहेंगे? आई वांट क्रेयॉन्स. और अगर नहीं चाहिए तो आई डोंट वांट क्रेयॉन्स, आई डोंट वांट पेंसिल्स. ओके, I want crayons, I don't want pencils. Partner क्या कहेगा? I want books, I don't want a seat. Okay. You may use these words: a ball, a doll, clothes, toys, pens, erasers, a bicycle, a kite. इन words को use करके हमें आगे के लिए जो conversation है इसे continue रखना है. You, I want a ball, I don't want a doll. Partner, आपने ये कहना है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए. ओके, अगर चाहिए तो क्या कहेंगे आप? I want. और अगर नहीं चाहिए तो I don't want. ओके, I want clothes, I don't want toys. Next one, I want pens, I don't want erasers. Then partner, what will you say? Partner, I want bicycle, I don't want a car. Okay, इस तरह से क्या करना है हमें, हमारी speaking skill जो है उसे develop करना है. Okay, see next. Listening skill हो गई, speaking.
things you do after coming back. Use words from the box to make sentences. हमें क्या करना है? कुछ words यहाँ पर दिए गए हैं कि उस words का use करके हमें कुछ sentences ऐसे बनाने हैं. School के जाने से पहले जो हम करते हैं उसके लिए कुछ 3 sentences बनाने इस words को use करके. Then school finish होने के बाद जब हम घर पर return आते हैं तब हम कौन से things करते हैं इन words को use करके हमें उस सेंटेंस को बनाना है. ओके, देखते हैं. बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले क्या क्या दिए गए यहाँ पर? ईट ब्रेकफास्ट, ब्रश, हैव अ बाथ, जो कि हम मॉर्निंग में करते हैं उसमें स्कूल जाने से पहले. ओके, क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई ब्रश माई टीथ. देन आई हैव अ बाथ. ब्रश करने के बाद क्या करते हैं हम? आई हैव अ bath. Then I eat my breakfast. Next one. And after coming back, words are play, study, watch television. देखते हैं इसके sentence कैसे बनेंगे. I watch television. I study and then I play in the park. Next. Now let's see next question. Look at the pictures, complete this puzzle. यहाँ पर कुछ pictures दिए गए हैं fruits के, हमें क्या करने हैं उनके names यहाँ पर write करने हैं, किस तरह से इस puzzle को complete करना है. Already हमारे textbook में कुछ words दिए, letters दिए गए हैं और हमें हर एक box में एक letter, इस तरह से हमें इस puzzle को complete करना है. Okay? So which is this picture? Mango. M A N G O, mango. Then O से starting होने वाला भी एक fruit है यहाँ पर. कौन सा है? Orange. O R A N G E, orange. Then हमें यहाँ पर दिया गया है हमारे textbook में already ये letters है. So इससे start होने वाला कौन सा fruit या fruit कह सकते हैं हम यहाँ पर? Sugar cane. So S U G A R C A N E. Then, which is this picture? Yes, correct. Apple. A P P L E. Okay. Then, here, which is this picture? Papaya. P A P A Y A. Papaya. And then, last one. What's the picture? Yes, sabka favorite hai. Yes, banana. B A N A N A, banana. तो इस तरह से हमें इस पजल को कंप्लीट करना है. वन बॉक्स वन लेटर. ओके, सो हम यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. व्हाट डज द प्रिंस वांट? सो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में अच्छी तरह से राइट करने हैं. ओके, बाय बाय.